मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम सीरीझौत में मैंने जो वीडियो बनाया था पानी की समस्या को लेकर के 29/5/2014 को। पानी को लेकर क्या समस्या है? बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं जाती, पर यह समय गर्मी के समय में थोड़ा पानी की दिक्कत जाती है। ये जो चार नल है तो चार नल में से एक नल मतलब थोड़ा चालू जैसी है, पर उसमें पानी बढ़ जाता। अच्छा, तो यहाँ पानी बढ़ जाता तो आप कहाँ जाते हो पानी के लिए? ये कांगनवाड़ी पास में एक नल है तो उधर जाता है, जाते हैं तो उधर भी पानी लाल निकलता है, तो कभी कभी कुआं पानी भरते हैं। अब परेशान जा रही थे और लाने पड़ते हैं भैया जी। अच्छा, गर्मी में कितने महीने आपको पानी की परेशानी होती है? गर्मी में 2-3 महीना परेशान जान लगे भैया जी। अच्छा, आपने सचिव सरपंच से कितने बार बोले हैं? कई बार बोले, सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। और अब वहाँ पे 5/7/2014 में ही बदलाव आ गया, और यहाँ पे बदलाव लाने के लिए गांव के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मैं और गांव के लोगों ने मिलकर के सरपंच के घर गए और सरपंच को ये पूरी कहानी सुनाई। ये लगा आपने परियोजना से, किसान भाई जिसका जरूरत थी पानी का बहुत समस्या थी जी, जैसे हमने प्रस्ताव बना के पहुँचाए तो पास हो गई जी और आ गई, और हमारे गांव में बहुत पानी का सुविधा हो गया जी। दो हेडपम्प यहाँ लग गया बोर का जी। अच्छा, टोटल कितने नल आए थे? 3 नल आए हैं अभी जी, तो तीनों जगह में पानी की व्यवस्था हो गई। पानी की व्यवस्था हो गई अभी जी, बहुत साधन हो गया। अभी तो बहुत दिक्कत थी पानी का, बोर लगने के कारण साधन हो गया अभी। आपके गांव में ये जो बोरिंग मशीन आई है नल खोदने के लिए, यहाँ से जब पानी निकल जाएगा तो आपको क्या सुविधा होगी? पानी पीने के लिए पास पड़ेगी और अच्छा लगेगा। अच्छा, पहले आप पानी के लिए कितना दूर जाते थे? 1 किलोमीटर दूर जाते। 1 किलोमीटर दूर। अब तो पानी के लिए, पानी आपके घर के पास आ गया, गाँव में आ गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा भैया, आपके गाँव में पानी की व्यवस्था कर दी गई है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था हो गया है। यहाँ ऐसे लग रहा है कि अब कुछ चीज की समझ गया, समझ नहीं आएगी ऐसे लग रहा है हमको। हाँ, मैंने आपके गांव में जो पानी की व्यवस्था की है, जिनने ये सब काम किए हैं, काफी मेहनत की है उन लोगों ने, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कि उसको काम करने वालों को धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मिलजुल करके काम करने से बड़े मुद्दे पर हम लोग या गांव वाले भी विजय पा सकते हैं। मेरा मानना है कि इस वीडियो को जो देखने वाले दर्शकों हैं, तो उन लोग भी अपने समुदाय में यदि ऐसी कोई काम करना चाहते हैं तो समुदाय को लेकर के किसी भी अधिकारी के पास में जाएं तो अपना काम ऐसे ही हो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम सीरीझौत में राजू परतेती।